जून तक नहीं हो पाएगी कोई घोषणा। अटक गया कर्मचारियों का पे कमीशन और डीए का एरियर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब राज्य सरकार किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या आश्वासन देने की घोषणा नहीं कर सकेगी। ना ही मुख्यमंत्री और ना ही कैबिनेट मंत्री जनसभाओं में कोई ऐलान कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की योजना की घोषणा नहीं होगी और आधारशिला और लोकार्पण इत्यादि भी नहीं होगा। सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधा आदि देने का कोई आश्वासन तक नहीं दिया जा सकेगा। राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में भी किसी तरह की तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकेगी। 1 अप्रैल से लागू होने वाली बजट की घोषणाएं जिनमें नोटिफिकेशन पहले हो चुकी है के लिए चुनाव आयोग से पहले अनुमति लेनी होगी। 1 अप्रैल के बाद कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन से लेकर नई नियुक्तियों तक के मामले में पहले चुनाव आयोग से अनुमति की जरूरत होगी। सरकार ने चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने की भी घोषणा की है और अभी तक इसमें भी फॉर्म भरे गए हैं लेकिन किसी को 1500 की राशि जारी नहीं हो पाई है। बाकी जगह की कार्रवाई जारी है। कर्मचारियों के वेतन आयोग एरियर और महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान पर भी फैसला जून के बाद ही हो पाएगा। सरकार ने महंगाई भत्ता दे दिया था लेकिन एरियर के फॉर्मूले को कर्मचारियों के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। मंत्रियों को सरकारी गाड़ियां लौटाने के आदेश। चुनाव आचार संहिता लगते ही सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिप्टी चीफ व्हिप को अपना ऑफिशियल व्हीकल फील्ड से वापस भेजने को कहा गया है। चुनाव आचार संहिता में ये सभी लोग शिमला स्थित अपने घर से दफ्तर तक ही सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल कर पाएंगे। फील्ड के दौरे के लिए ये सरकारी व्हीकल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जारी आदेशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर राम सुबक सिंह और निशा सिंह वाहन सुविधा का इस्तेमाल अपनी पात्रता के अनुसार कर सकेंगे।